हेलमेट माउंट जो है सिरप है वो मैं अभी कर चुका हूँ, जो कि मैं ऑनलाइन से बाय किया था। तो मैं इसका अनबॉक्सिंग जो मैं आपको नहीं दिखा पाया, सो सॉरी। तो मैं इसका अभी सेटअप कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो कि सेल फोन है उसको यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगा, इसके बाद मैं अपने गाँव जाऊँगा, ठीक है। तो मैं रास्ता का छोटा छोटा पार्ट में दिखाना चाहूँगा। तो चलिए आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए। हेलो हेलो गाइस गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे वीडियो बनाने के लिए। यह है न्यू ओल्ड टूपी विलेज, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं जो कि जहाँ स्लो चलाना है, स्पीड चलाना है, वो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर पब्लिक एरिया है और इस प्लस स्कूल भी है, तो इसके लिए आपको थोड़ा धीमे चलाना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ में जो कि मेन एरिया है, यहाँ पर बहुत पब्लिक यहाँ पर जमा होता है। तो बुजुर्ग लोग है जो कि बड़ा आदमी लोग है यहाँ पर, वो लोग थोड़ा कान से ठीक से सुनाई नहीं देता, इसके लिए यहाँ पर जोर जोर से हॉर्न मार के यहाँ से पार करना पड़ेगा। और अब हम यहाँ पहुँच गया है आपका क्लब एरिया जो कि ओल्ड टूपी का। और यह पहाड़ है ना, बहुत सुंदर पहाड़ है ये, आपका रंगमजा पहाड़ है आपका खुन, ये लबनान विलेज और आपका खिदी कौन सा वगैरह सब मिल जाएंगे इसके पीछे में आपको। और ये है ओल्ड टूपी का कुछ इस तरह का नज़ारा। और फिलहाल अभी हम ओल्ड टूपी को यहाँ से हम लोग टाटा बाय बाय हम लोग फिलहाल कर चुके हैं। यहाँ से कुछ डिस्टेंस के बाद, कुछ दूरी के बाद हम लोग न्यू टूपी पहुँचने वाला है। ये है यहाँ से शुरू होता है आपका न्यू टूपी, यहाँ से ही पकड़ लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि ना न्यू टूपी विलेज जो है बहुत ही सुंदर जगह है। आप देख सकते हैं यहाँ में जो कि लेफ्ट साइड में नीचे इस तरफ में जो घर है, बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल बनाया, सीनरी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर थोड़ा आगे ये है साइन बोर्ड पर लिख के है न्यू टूपी विलेज। तो टाटा टाटा बाय 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 बाय। और ना ये जो है एक्सीडेंट पॉइंट कहा जाता है ये, यहाँ पर भी बहुत आदमी यहाँ पर जमा होता है थोड़ा ध्यान से चलाना। और उस पार्क का जो व्यू है ना वो बहुत काफ़ी सुंदर है, देख सकते हैं रास्ता वहाँ पर, वहाँ में हम लोग पहुँच जाएंगे। और लेफ्ट साइड राइट साइड में साइन बोर्ड में लिख के हैं डेंजर जोन। और यहाँ पर बल्टिस कैथलिक नहीं है यार, कुछ और ही चर्च है यहाँ पर, भी एक चर्च देखने को मिलेगा प्रेस लॉर्ड प्रेस लॉर्ड। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सुंदर पहाड़ है, नलमजा पहाड़। तो ये पहाड़ को देखकर मुझे ऐसा लगा मैं भी जाने का बहुत मन कर रहा है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं गाड़ी कुछ इस तरह मिलता है, ये ब्रिज है छोटा मोटा ब्रिज। और ये भी एक डेंजर जोन पहुँच गई यहाँ पर, देख सकते हैं पत्थर, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है गाइस, हमेशा होशियार रहना यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है दादम बस्ती जाता है यहाँ से, और इसके नीचे में पिकनिक पॉइंट है जो कि खेती है टूपी बस्ती का पानी खेती। तो यहाँ पर हम लोग बुक कर सकते हैं। और अभी हम पहुँच गया है अपना हाइडल। यहाँ में हाइडल आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब्जी से लेकर कुछ कुछ पीने वाला चीज़ कुछ भी सब कुछ मिल जाएंगे यहाँ पर। हाइडल का जो ब्रिज है वो भी अब हम पहुँच चुका है, ये देख सकते हैं हाइडल ब्रिज साइड कर दे बाबा जी। तो हम लोग इसको पार करते हुए यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जो कि पावर हाउस, जो कि बहुत बड़ा ये पानी यहाँ से करंट मारता है यहाँ पर। तो हम लोग चलेंगे टाटा टाटा हाइडल। और ये कुछ इस तरह ब्रिज दोलोंग छोटा छोटा दोलोंग मिल जाएंगे। ओहो इतना बड़ा गाड़ी, भाई साहब जरूर जरूर। ये लोग जो है ना खेती जा रहे हैं जो कि लबनान बस्ती का जो गाड़ियाँ हैं यहाँ में, ये लोग जितना भी बड़ा बड़ा ऑफिसर हो क्यों ना हो, लेकिन ये लोग अपना कल्चर ट्रेडिशनल का जो कि दान लगाता है ना, पानी खेती लगाता है, ये लोग नहीं छोड़ते। बहुत ही सुंदर है यार, बहुत ही अच्छा है, ये लोग का जैसा होना है हम लोग भी सीखना चाहिए यार, क्यों सुस्ती करना है। हम लोग थोड़ी ना ऑफिशियली काम करके हमेशा खाने को मिले, लेकिन अपना ट्रेडिशनल चीज़ जो है ना ये कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन लबनान जो ऐसा बस्ती है वो लोग अपना खेती करना कभी नहीं भूलते, जितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तब पूरा मेजोरिटी होता है, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम ये ही बताना चाहता था, तो ये सब चीज़ हमेशा माइंड में रखना चाहिए अच्छा चीज़ें। और देखो कुछ इस तरह यहाँ का रास्ता, टर्निंग बहुत है यार, लेकिन बढ़िया बढ़िया ट्रक। ओहो
आजकल तो बड़ा बड़ा ट्रक आने से भी कुछ भी डर नहीं है, क्योंकि पहले तो धूल का वजह से बहुत धूल उड़ता था ना, आप देख सकते हैं रास्ता, अभी तो बहुत मज़ा मज़ा मज़ा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जितना भी लॉन्ग राइड करो, कोई थकने वाला नहीं आपको, गड्ढा गड्ढी नहीं, एकदम प्लेन हाईवे आने की बात हो। थैंक यू हाईवे, थैंक यू हाईवे। तो ये कौन है, यहाँ पर एक गाँव बुरा बिता हुआ था रास्ता के किनारे, बहुत गाँव बुरा मिलता है यहाँ पर, जब तक कि शाम में ज़्यादा गाँव बुरा यहाँ पर बैठ जाता है, यानी कि गाँव बुरा जी फॉर गर्ल बी फॉर बॉय, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ पर मिल जाता है, गली गली मिल जाएंगी आपको। तो अभी हम पहुँचने ही वाला है अपना कौन सा की ओर, ये है आप देख सकते हैं, ये आपका शायद आपका लोथांग बस्ती पहुँच गया होगा शायद आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड तरफ में। इस रास्ता का देखो छाया छाया, देखो धूप लग रहा है वहाँ पर, कितना सुंदर है यार जगह, देख सकते अपना रियलिटी में आने के बाद तो बहुत ही सुंदर देखने को मिल गया यार आपको, इवन वीडियो पर भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा देखकर, लेकिन रियलिटी में ना बहुत अच्छा है। और ये है, बहुत बार इसको रिपेयर कर चुका है शायद मेरा, अभी तो थोड़ा ठंडा बारिश कम देता है, अभी विंटर सीजन है अभी, इसलिए अभी आपको इतना वो नहीं है। भूकंजुरी 33 किलोमीटर, जयपुर 65 किलोमीटर, तिनसुकिया 97 किलोमीटर, कौनसा 7, चांगलांग 66 एंड मार्गरिता आपका 110 किलोमीटर। ओह माय गॉड। और यहाँ से आपको लेफ्ट साइड में जो है ना आपका लोथांग बस्ती जाता है, और राइट में है जो नेशनल हाईवे वो आपका कौनसा के लिए जाता है। तो हम चलेंगे, और भाई साहब गाड़ी आ रहा है, और मेरे आगे ना एक सिलेंडर वाला भैया जा रहे हैं, इसको मैं पार करते हुए मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं पार करना चाहता हूँ। ओ भाई साहब जगह मिल गया, अब उसको पार कर लिया मैंने, काफ़ी गाड़ी मैंने बहुत गाड़ी को मैं क्रॉस कर चुका हूँ, लेकिन मैं इतना स्पीड भी नहीं चलाऊँ, ठीक है, मैं एकदम नॉर्मली चला रहा हूँ अपना स्पीड पर, यानी कि स्पीड कभी कभार स्पीड चलाता हूँ, कभी कभी स्लो चला रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एकदम लिमिट लेवल पर चला रहा हूँ अपना, ठीक है अपना, मैं इस बार का भी 40 से कम स्पीड पे मैं चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं ऊपर में जो है कि वो भी लबनान का ही खेती है, कुछ 11 साल लगाया था। और यहाँ पर कुछ दीदियाँ लोग हैं यहाँ पर नहाने आए थे होंगे शायद, और कुछ अंकल लोग भी हैं साथ में और हम अभी पहुँच गया है आपका व्यू पॉइंट, यहाँ में बहुत ओ भाई साहब 444 बहुत टाइम हो गया गाइस। अभी व्यू पॉइंट ये रहा आपका अपना विलेज का जो खेती है वो भी, और कुछ दीदियाँ लोग भी है यहाँ में आने वाला, देख सकते हैं वर्किंग के लिए आया हुआ है ये लोग, इवनिंग वर्क के लिए। और मैं ना यहाँ पर ठंडा लगना शुरू हो चुका है अभी, मैं अंदर कुछ गर्म वार्म वाला कपड़ा भी नहीं पहना है। करिए अंकल मुझे साइड कर दे, हल्का फुल्का जगह दे दे मेरे को पार करने दे। ओहो चलो 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 चलो, इस वक्त मैं अभी पार कर सकता हूँ कि बहुत जगह है, आगे गाड़ी नहीं आएगा, मैं इतना मैं देख सकता हूँ, देख पा रहा हूँ। और ये जो है ना ऊपर में देख सकते हैं जो कि हाई स्कूल एरिया है, जो कि लबनान विलेज, जो कि पूरा लबनान का जगह है, इसलिए लबनान का ही इलाका है, इसलिए लबनान ही ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ। गाइस ये जो है ना सैमसंग घाट एरिया है, तो अभी हम लोग सैमसंग घाट पहुँच चुका है, यहाँ पर गाड़ी धोने के लिए आदमी लोग काफ़ी आ चुका है, और बहुत ही घन है यहाँ पर सैमसंग घाट एरिया, जो कि यहाँ पर कचरा फेंकता है वही कचरा गन मार रहा है कभी घर में। साइड कर दे भैया जी, भाई 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 बहुत ही यहाँ पर गन मारा अभी। तो मैं ये मारुति को कार को पार करते हुए मैं अभी आगे की ओर में बढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं गाय गुरु यहाँ पर बांधा गया है। तो अभी फिर हम लोग दीदियाँ मिल रही हैं, और अभी फ़िलहाल मैं अभी कौन सा मेन टाउन है मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ का जो है कैंड्रा स्कूल, और आप देख सकते हैं ये है रंगफरा का जो मंदिर है, ठीक है।
और यहाँ से हम लोग जाएंगे लेफ्ट साइड होकर, जो यह राइट में जाता है वो है डायरेक्ट माइस में निकलता, टाउन में निकलता है, लेकिन ये सिर्फ वहाँ से आउटलाइन ही मतलब आउट बाहर जाने के लिए देते हैं, वन वे है। और हम जाएंगे अभी सीधा आपका चंग रोड। ऐसा आपको ये लेफ्ट साइड में टायर दुकान है और ये आप देख सकते हैं इस सीधा में, और हम आगे यहाँ पर भी एक कार वॉश देखने को मिल गया। आप देख सकते हैं ये बुलेरो जो खड़ा है वहाँ पर एक कार वॉश है। और हम लोग अभी मिडिल स्कूल तरफ जो ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं, अभी देख सकते हैं कुछ दीदियाँ फिर मिलते हैं यहाँ पर। और ये देखो ये है जो कि तिराप का जो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज माना जाता है, ये ब्रिज जो कि एक आपका जो मिशन कॉलोनी है, मिशन कॉलोनी है आपका, ये मिडिल स्कूल कॉलोनी है, मिडिल स्कूल कॉलोनी देखने को मिलेगा, जो कि लेफ्ट साइड में है, ब्रेड दुकान है, ठीक है, ब्रेड यहाँ में बनते हैं। तो गाइस आपको फिर से यहाँ पर एक गद्दा देखने को मिलेगा मेन हाईवे के बीच में, इसलिए ना हमेशा होशियार रहना है कि इतना स्पीड भी नहीं चलाना है, जैसे कि यहाँ पर ब्रेक मारोगे तो आप पक्का पक्की गिरोगे ही, और इसलिए हमेशा ध्यान में रहना। और ये है राइट साइड में जो कि एक बाइक का जो टायर शॉप है, वहाँ पर टायर बदली हो जाता है, तो वहाँ पर विजिट कीजिए आप लोग भी। और हम लोग कुछ आगे चलते रहेंगे, यानी कि ये है आपका मिडिल स्कूल एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ में आपका मिडिल स्कूल का जो मेन गेट है वो यहाँ में है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ में भी बच्चा लोग इधर उधर हो जाता है स्कूल टाइम में। तो अभी हम लोग मिडिल स्कूल को पार करके हम थोड़ा आगे जाएंगे, ठीक है। वो भाई साहब ये देख रहे हैं पूरा गिर गया, ये घर के बना रहा हुआ। तो ये है बाइक गैरेज, यहाँ में बाइक गैरेज मिलेगा और सीधा में जाएंगे तो आपका, हम सीधा जाएंगे तो आपका ये है मेन टाउन के लिए निकल जाते हैं। फिर आपका सबसे पहले मेन बात तो आपका लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट है वो आपका बॉर्डर तिनसुकिया निकल जाता है, तो मैं तिनसुकिया जाता हूँ। तो अगर गेट से एंट्री होकर अंदर जाओगे तो लेफ्ट होगा चांगलांग जाता है और सीधा होगा आपका मेन टाउन जाता है। तो अभी हम लोग मुड़ रहे हैं, अभी ये इस तरफ मुड़ गई, अभी हम लोग आसाम जा सकते हैं यहाँ से। तो ये है मिशन कॉलोनी, फिर से हम लोग मिशन कॉलोनी पहुँच गया है। तो मैं कुछ व्यू दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ से, बहुत अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से ना, मैं यहाँ रुक के दिखाऊँगा थोड़ा सा। ओ भाई साहब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह यहाँ में व्यू है, ये मेन जनरल फील्ड है, ठीक है, ग्राउंड है, और बाजार लाइन और असम में फॉल सब कुछ देख रहा है, कैमरा में इतना खास नहीं दे रहा होगा, क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन भी बहुत अच्छा से यहाँ से व्यू देख पाते हैं, ठीक है। तो हम और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, बोल रहे हैं कि मेरी शाम बहुत टाइम समय हो चुका है, तो मुझे थोड़ा जल्दी बजे हैं, जल्दी जाना है। तो कुछ इस तरह है यहाँ का मेरा आज का वीडियो। तो मेरा साथ वीडियो पर बने रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ना भाई मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ना आज का जो मेरा व्लॉग है, आज फर्स्ट टाइम है जो कि व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं बाइक राइड के साथ, अपने हेलमेट माउंट के जो टेस्टिंग कर रहा हूँ ना, तो अगला बार ना इससे भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। तो तब तक के लिए बाय 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 बाय।